बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां उत्तराखंड से भी बड़ी संख्या में मजदूर पलायन कर रहे हैं। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से मजदूर अपने परिवार के साथ यूपी अपने घर पहुंच रहे हैं। इसी बीच पुलिस और प्रशासन की ओर से इनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था की जा रही है। ये अल्मोड़ा से आए हैं भीमसेन से जी, और पैदल चले आ रहे थे, जैसे हमारे संज्ञान में आया है, और ये बरेली के लिए जाएंगे। सीसगढ़ है, जैसे संज्ञान में आया तो इनके खान पान नाश्ते की व्यवस्था करा के और गाड़ी की व्यवस्था करा दी है। गाड़ी को पास भी दे दिया है ये प्रवासी मजदूरों को छोड़ने के लिए, गाड़ी इनको घर तक छोड़ के आ जाएगी। और इनसे हमारा अनुरोध ये भी है कि अपने घर में लॉकडाउन का पूरा पालन करते हुए अपने पड़ोसियों से, अपने घर वालों से पूरी तरह अपने घर में आइसोलेशन में रह के और जो है उसका पालन करेंगे। जो लाइट है इसके पुर्जा बंद, लाइट बंद कर रखे। तो अब हरिद्वार से यहाँ तक पैदल ही आई हो? पैदल ही आए सवेरे। क्या तकलीफ रही रास्ते में? चले आए। अच्छा, तो यहाँ तक क्या सोच के आए, क्या कोई सवारी मिलेगी? सवारी हमारे तो सवारी घर पहुँचा दो। हरिद्वार में क्या काम करते हो आप? कंपनी में काम करता हूँ। कौन सी कंपनी? दवाई कंपनी है कोई। तो वहाँ से कब चले हो आप? कल सुबह पैदल। कितने लोग हैं आप? 16 लोग हैं। 16? तो पैदल रास्ते में रोका नहीं पुलिस ने आपको? नहीं, रोकते थे और नाम पता लिखवा के बस जाने देते थे। अब आप इस टाइम रामपुर में हैं यहाँ, तो वहाँ से देहरादून से हरिद्वार से यहाँ तक पैदल ही आए हैं आप? कोरोना को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि मैं सभी सरकारी